क्या होगा अगर सुपरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बैटमैन जैसे सारे सुपर हीरोज विलन बन जाए। और उससे भी बुरा होगा जब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, आपने सही सुना, डीसी के कैनन यूनिवर्स में एक ऐसी सुपर हीरो टीम एग्जिस्ट करती है जिसमें सारे सुपर हीरोज विलन है। सच कहे तो ये टीम ना होकर एक बिजनेस कंपनी जिनके खुद के न्यूज चैनल्स है, फिल्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल कॉलेज है, हर सुपर हीरो का अपना खुद का एक ब्रांड है और शेयर मार्केट में खुद के शेयर्स तक है। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न प्राइम के दी बॉयज के बारे में, जिसमें हम डीसी और मार्वल के कई सुपर हीरो के इवन वर्जन को देख सकते हैं, क्योंकि ये मार्वल और डीसी की पैरोडी है। इस यूनिवर्स के लोगों को लगता है कि सारे सुपर हीरो सुपर पावर्स के साथ पैदा होते हैं और ये उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स में वॉट इंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी एग्जिस्ट करती है जो बचपन से ही छोटे बच्चों को कंपाउंड वी नाम का ड्रग देकर उनको ये पावर्स देती है, जिससे उनकी एबिलिटी और सेंसेस ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इस ड्रग की एक और खासियत ऐसी है कि छोटे बच्चों में तो ये धीरे धीरे असर करती है, लेकिन एडल्ट्स में इसका असर रैपिडली देखने को मिलता है। इसलिए ये सुपर हीरोज गॉड गिफ्ट ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट है, जिन्हें बचपन से मिलने वाली ट्रेनिंग और अकेलेपन की वजह से इनके अंदर किसी तरह की इंसानियत नहीं है। अब जानते हैं उन सुपर हीरोज के बारे में जिन्होंने हमें सुपर हीरोज की इविल साइड को दिखाया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस यूनिवर्स के सुपरमैन से। इसका नाम है होमलैंडर, जिसके पास सेम टू सेम सुपरमैन की जैसे ही पावर्स है, जिससे वो उड़ सकता है और आंखों से लेजर्स भी निकाल सकता है। लेकिन होमलैंडर मोरली सुपरमैन से पूरी तरह डिफरेंट है, जिसमें वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसे कंपाउंड वी की वजह से पावर मिली है, इसलिए इसे पावर के लिए येलो सन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इस यूनिवर्स का दूसरा सुपर हीरो ब्लैक नॉयर है। ये बैटमैन की पैरोडी है, इसलिए वो भी एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है और ये हमेशा अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। इसलिए इस यूनिवर्स के सारे सुपर हीरो पब्लिक फिगर होने के बावजूद ये हमेशा ब्लैक मास्क पहनकर रखता है। बैटमैन कभी किसी को मारता नहीं, लेकिन ये किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। अगला सुपर हीरो है लैंप लाइटर। ये डीसी के ग्रीन लैंटर और मार्वल के ह्यूमन टॉर्च की पैरोडी है। इसकी ज्यादा तो कुछ स्पेशलिटी नहीं है, बस फायर क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट सुपर हीरो हॉकआई और ग्रीन एरो की पैरोडी है, जो है ईगल द आर्चर। ये अपने नाम की तरह ही एक तीरंदाज है। अब बात करते हैं हमारे कैप्टन अमेरिका के पैरोडी सुपर हीरो सोल्जर बॉय के बारे में। इसे हम द बॉयज का हरामी कैप्टन भी कह सकते हैं, जो एक नंबर का नशेड़ी और जरूरत से ज्यादा पेट्रोटिक है और वायलेंट नेचर का है। ये भी कैप्टन की तरह ही शील्ड इस्तेमाल करता है। द डीप, एक्वामैन और नेमोर की पैरोडी है, जो इन दोनों की तरह ही पावर्स होल्ड करता है, साथ ही एक्वाटिक एनिमल से बात भी कर सकता है। अगली सुपर हीरो है क्वीन मेव। इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये किसकी पैरोडी है। इसके पास वंडर वुमन की तरह ही सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, मगर ये मेंटली वीक है, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी इंसानियत देखने को मिलती है। बात करते हैं दी बॉयज के एड्रियन की। वैसे तो ये डीसी के फ्लैश और मार्वल की कुछ सीरियल की पैरोडी है, मगर ये इन दोनों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे अपनी पावर्स को ट्रिगर करने के लिए बार बार ड्रग्स लेना पड़ता है। जिस तरह डीसी में बैटमैन और एमसीयू में आयरन मैन है, वैसे ही दी बॉयज में टेक नाइट है, जिसके पास इन दोनों की तरह ही कोई सुपर पावर नहीं है, पर एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा है। इसे अब तक हमें शो में नहीं दिखाया गया, पर कई बार इसे मेंशन किया जा चुका है। हमारा लास्ट सुपर हीरो है ब्लाइंड स्पॉट। ये मार्वल के डेयरडेविल की पैरोडी है। इसके पास भी सेम डेयरडेविल के जैसे ही इनहैंस सेंसेस है और ये भी देख नहीं सकता। ये शो हमें सुपर हीरो की आज की रियलिटी को दिखाता है, जिसमें भर भर के खून खराबा और शोर शराबा है, इसलिए इसे छोटे बच्चों को दूर ही रखे। इस शो के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और 4th सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर अब तक आपने इस शो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर अमेज़न प्राइम पर देखिए और हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं कि आपको शो कैसा लगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, साथ ही आप किस सुपर हीरो की पैरोडी को ज्यादा पसंद करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियोस की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो।